Concordal for you guys today or tomorrow, depending on my schedule. Of course, today and tomorrow I will just schedule some Concordals. आप लोग के पास sufficient time था, I don't have any doubts on that. तो आप लोग का preparation module कुछ हद तक किया होगा आप लोगों ने, ठीक है? Kartik, I would like to take again your repeat of what I did last time. Same over. ठीक है सर. तो मैं अलग से लूँगा उसका. And that will be for Kartik. Avinash also I will take an update. And again from previous feedback on there, depending on previous feedback. उनको मालूम है exactly for individual levels पे आपको जो बताया है मैंने उसी के हिसाब से लूँगा. And संदीप एंड अमित तुम्हारा मैं बाद में लूंगा शशि के साथ. एंड संदीप आई विल टेक योर्स. ओके सर. एंड अमित तुम्हारा बीच में कुछ. हाँ जी बोलो सर. संदीप सर मेरा कल हो जाएगा सर, आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है सर शाम को. ओके ठीक है, देन आई टेक शुभम टुडे. ठीक है शुभम आई टेक टुडे. बिजी था. बिजी हो कल अगर हो जाता तो ठीक है. मैं तुम्हारा खाली अपडेट लेना था, बीच में तुम कुछ दिन नहीं थे, कवर अप हो गया तुम्हारा मेरे मतलब मेरे से पहले, मेरे सिक लीव से पहले. एक दिन नहीं था मैं. राइट, तुम कुछ बाहर गए थे समवेयर समथिंग ऑन दैट. ठीक है. तुम्हारा एक बार मुझे वेरीफाई करना है एक बार मॉक ओरल. सो एक बार तुम्हारे साथ ठीक से हुआ नहीं, ठीक है? तो तुम्हारा कब करे, कल या आज? कल करते. कल तो आई विल टेक कार्तिक अविनाश टुडे एंड मेरा भी कर लेगा सर. सबका कल नहीं हो पाया. टुमारो नेवर डाइज होता है, समझ में आ रहा है ना? वो कल का कल ही होता है. ट्यूसडे ट्यूसडे का भी कल ही होता है. फिर ट्यूसडे को बात करेंगे. आज कल के नाइदर बी यस्टरडे और टुमारो एंड इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी डे. इट होल्ड्स गुड फॉर एवरी डे. टेस्ट योर सेल्फ. आप लोग के पास सफिशियंट टाइम था टू बी प्रिसाइज मोर देन अ वीक. सो आप लोग के पास एक सफिशियंट टाइमलाइन के हिसाब से नेचुरली उतना स्टेट ऑफ रेडीनेस होना चाहिए, बिकॉज आप लोग उसी गियर में उसी यू नो दैट स्पीड में चल रहे थे मेरे साथ. तो आप लोग को वो उतना उसका लेवल ऑफ क्या बोलते हैं डाइजेशन होना चाहिए, सिलेबस डाइजेशन के, उसको किस तरीके से मोल्ड करना है अपने आपको. सो दिस इज लाइक अ जस्ट अ रीचेक. इट इज नॉट फॉर इवैल्यूएटिंग एंड यू नो कि आपको क्या नहीं आता. इट इज फॉर अगेन कमिंग बैक ऑन ट्रैक. ठीक है. सो वी विल डू इट इन दिस मैनर ओनली. डोंट वरी, आई विल टेक इट लाइट. Because again, just to first understand the aptitude. किसी का अगर preparedness ज़्यादा है, I'll change the questions rapidly. किसी का नहीं है, तो I will try to brush the questions on a basic level. ठीक है? We will do that in that dynamic manner. Because आप लोग कुछ time हो चुका है पढ़ के, so I cannot be absolute basic कि you know पहले से क्या होता है. वहाँ से नहीं चालू करेंगे naturally. But some of the odd basics you should know. So we'll try to keep it by post lunch or something. आपके पास sufficient time होगा, आप लोग कुछ revise करना है कर लो. Again, so there you can have decent amount of time also in hand. ठीक है. Ayer, morning. Good morning, sir. Can you give your mock oral today? वो अचानक से अकेले प्रिपेयर नहीं होता है. ओके, इवन इफ यू नॉट प्रिपेयरिंग कंसंट्रेटिंग दैट इज फाइन. आई विल स्टिल टेल यू अगेन, उसमें सम लेवल ऑफ अटेंशन देते रहो, चाहे वो 1 आवर डेली क्यों ना हो. कीप इट इन टच.
following up from scratch will not be possible, you will again want to sit in some revision class, and that will become a tedious task for you. ठीक है? हाँ, don't depend on that strategy, because थोड़ा सा वो हिल जाएगा तुमको ही. ठीक है? So please study it simultaneously, because अगर तुम इसको 40-50% भी अचीव करते हो अभी just parallel study से, next time तुमको खाली recalling and 20-30% plus करके निकलना पड़ेगा. You will waste time otherwise. ठीक है? अभी sitting module में जितना कर सकते हो उसको 40-50% तक खींच लो. Don't fall back. Okay? Don't take a chance unnecessary, because वो हैवी जाता है, believe me. खाली function 3 अगर oral भी देना है, it is very heavy. Very vast. Because if you, चलो by God's grace, if you pass in 1 and 2 in first attempt, खाली अगर function 3 रह गया, and if you study from scratch, you will have a very tough time. I have had 2-3 students of function 3 who have been struggling. So उसको ऐसे वो अकेले में मत छोड़ो. Function 3 is the best function to give in all 3 together. It is the best function, because वो हमेशा complementary मिलता है. But अगर गलती से वो अकेला रह जाए तो फिर बहुत मुश्किल जाता है, चाहे वो second mate हो, mate हो. It is bad. हाँ, because there are too many questions to be framed, right from your theory and everything. तो थोड़ा सा उसको touch में रखो. Okay guys, चलो. Coming back to our subject, I was supposed to start FSS code. ठीक है? Let's directly get into FSS code, and we'll start from Solas chapter 2, part 2. Okay, so for the start of this particular topic, you should know that when we talk about fire safety, whenever Solas created fire safety and knowledge of fire safety was brought in, Solas chapter 2, part 2 gave the basic functional requirements as to what a vessel should have in terms of fire safety. ठीक है? So कोई भी question fire safety से related आता है, please remember this. Fire safety. Fire safety में क्या आता है? Anybody can tell me what are the 4 to 5 keywords to be discussed in fire safety? Just by fire safety. क्या दिमाग में आता है? Types of bulkhead or prevention bulkheads. No. चलो वो तुम्हारा एक functional requirement है. It is not fire safety. Fire safety जब हम बात करते हैं, firstly it is prevention of fire. Then you have control of fire, correct? Suppression, control of fire. ये fire safety से related है. पहले तो prevent करो, then save your life, save property, correct or no? Control, suppress fire, and then last is escape. These are also known as your fire safety objectives by Solas. तो कहने का मतलब क्या है? What I was explaining was, I'll come to that again. Whenever you are questioned about anything related to fire safety, जबकि वो तुम्हारे पूछने के aspect में prevention of fire में क्या करोगे, you know, in those lines, कि fire नहीं होने देना है, prevent करना है, या safety of life because of fire, safety of property and environment because of fire, control and suppression of fire. Control suppression क्या होता है? Extinguisher use करना है, you know, fixed extinguisher use करना है, and so on. Lastly, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो provide a means of escape. When I talk in these particular lines, कि आपका वो, you know, accommodation में stairway क्यों होता है, fire door क्यों होता है, correct? Exit door क्यों है, safety sign क्यों लगाया है, exit sign क्यों लगाया है, all is part of providing a means of escape, correct? इस lines में जब question होता है, they are discussing or asking you in terms of fire safety.
when you quote fire safety was a requirement or a fundamental requirement under SOLAS. SOLAS chapter 2, part 2. All of you can write down the title. Yeah, SOLAS chapter 2, part 2. Class. I'm just opening my slide. Fire protection, fire detection, and fire extinction. This is the name of chapter, SOLAS chapter 2, part 2. Under construction, it is fire protection, fire detection, and fire extinction. Isme aapka regulation 2 talks about fire safety objectives. Iyer Sandeep, can we have your video? Okay. Fire safety objectives. When we talk about regulation 2 fire safety objectives, simple isko yaad rakhne ka tarika, this is as it is from Tolak by the way, but yaad rakhne ka tarika kya hai? Aag se related ya fire se related, pehle to hone mat do. First thing, if they ask you a question, what is your basic objective as fire safety? Kya karna chahte ho? Hone hi mat do. That is always the first objective. Prevent the occurrence of fire and explosion. Tanker pe IG kyun use karte ho? Because I'm trying to comply with my SOLAS chapter 2 part 2 regulation 2 where it states prevent the occurrence of fire and explosion. Yes or no? It is a fire safety objective. Correct hai? Main tanker pe IG isliye use kar raha hu. अगर मैं कहीं पे फ्यूल का ढक्कन यानी मेरे जो क्या बोलते हैं ड्रम में फ्यूल भरा है कहीं पे या कहीं पे मैंने स्टोरेज फ्लेमेबल प्रोडक्ट रखा है उसका मैंने ढक्कन बंद करके क्यों रखा है वहां का मैंने स्पेस वेंटिलेटेड क्यों रखा है प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन करेक्ट सो In all such cases, paint locker में हम लोग paint के ढक्कन बंद रखते हैं सारे use करने के बाद because it creates flammable vapors in the paint locker. That is also another reason where I'm trying to comply with my fire safety objective. Understood? Prevent the occurrence of fire and explosion. कहीं पे भी आपका ऐसा सवाल आता है क्यों कर रहे हो यहाँ पे ऐसे fire से related ये flammable product isolated क्यों रख रहे हो ventilated क्यों रख रहे हो आईजी की इस्तेमाल कर रहे हो एवरीवेयर यू आर ट्राइंग टू अचीव द फर्स्ट फायर सेफ्टी ऑब्जेक्टिव गिवन इन SOLAS ये कोट कर दो आपके आधे क्वेश्चंस के आंसर्स खत्म हो जाते हैं ठीक है द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी फर्दर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस बिकॉज ही नोज कि आप किसकी वजह से क्या कर रहे हो SOLAS बोल रहे हैं तो मैं ये कर रहा हूं ठीक है सो दैट इज फर्स्ट प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ Fire and explosion. Second क्या आता है? Reduce the risk of life. हमेशा पहले life का safety रहेगा. गलती से आग लगती है, तो पहले क्या करोगे? I will try to save life. That is exactly why you take a muster count and check who's missing. What is the idea behind raising the alarm and taking a head count? Correct? In order to check who's missing. So as to reduce the risk of life as required by SOLAS. Correct? आपका answering जो capability है इसी lines पे होना चाहिए. Please understand when you talk about fire safety objectives, it has to be in these lines. ठीक है? Next क्या है? Life सारा बच गया. Next आपका objective क्या होगा? Reduce the risk to damage to property and environment. That is exactly when after mustering you सारा head count ले लिया. उसके बाद आप लोग डिस्कस करते हो कहां पे आग लगी है कहां से अप्रोच करोगे बाउंड्री कूलिंग करना है इसको बुझाना है उसको बुझाना है व्हाई यू आर ट्राइंग टू सेव द प्रॉपर्टी
इवेंचुअली द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज ऑलवेज लास्ट, याद रखो. लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट, बट बचाना, ठीक है, बचाना नेसेसरी है, बट इट हैज टू बी इन दिस ऑर्डर. देर आर नो टू वे. सोलास भी यही बोलता है, इसी ऑर्डर में बात करता है. खैर, कार्गो है तो उसके बीच में आता है, पहले आता है प्रॉपर्टी, कार्गो एंड एनवायरनमेंट, ठीक है. प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ, कार्गो इज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी. Once you have saved all this, finally then you talk about controlling, suppressing and containing the fire. ठीक है? Suppressing अगर नहीं होता है, right? Suppressing अगर नहीं होता है, that is exactly why part of your fire drill you have, hermit का duty. क्या है थर्ड मिनट का ड्यूटी? फायर ड्रिल. हमारे शिप पे कॉमन होता है, सबकी शिप में अलग अलग नहीं है. थर्ड मिनट का ड्यूटी क्या होता है फायर ड्रिल में? मेंटेन लॉग. दैट इज सेकंड मिनट. सेकंड मिनट इज डूइंग दैट ऑन द ब्रिज. नहीं सर, नॉट एवरी कंपनी. माय कंपनी थर्ड मिनट डज इट. Third mate does it. So where is the second mate then? He's a first aid team and all. First aid team. Okay. Lifeboat first aid is with second officer. Achha, lifeboat. Haan, theek hai, chalo. Second mate and third mate then. Alternatively, if you are designated that way. So third mate basically, normally in ideal, what I have seen at least is the third mate has to go down to assist the chief officer. Second mate takes care of the, since he's a designated distress communications officer. So he will take care of your communication, then third mate will go down for assisting in first initial emergency response. Uske baad he goes for preparing the lifeboat, right? So, theek hai, that can be alternated as by the company or as required by the master also. But one of your key duties is preparing the lifeboat for a simple reason. Provide adequate means of escape to crew and passengers. ठीक है? अगर आप फायर को कंटेन या कंट्रोल या सप्रेस नहीं कर पाते हो, you have to eventually abandon and escape. Clear? If you can relate this with your fire drill, आपको यह हमेशा याद रहेगा. Fire safety objective. चाहे उसको अपनी लैंग्वेज में याद कर लो कि पहले तो फायर होने मत दो, हो गया तो पहले जान बचा लो, जान बच गई तो प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट को बचा लो, उसके बाद कंटेन कंट्रोल एंड सप्रेस द फायर. फाइनली कुछ नहीं होता है तो एस्केप. ठीक है, दीज आर योर फायर सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर है? नाउ विद रिगार्ड्स टू दिस फायर सेफ्टी ऑब्जेक्टिव एज गिवन इन रेगुलेशन टू, रेगुलेशन टू ऑल्सो स्टेट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट. अब ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ थरोली. फायर सेफ्टी ऑब्जेक्टिव इज समथिंग लाइक शिपिंग कॉमन सेंस, क्योंकि आप लोग एफपीएफएफ कोर्स करके आते हो, राइट? सो आई वुडंट कॉल इट नॉलेज, दैट इज समथिंग शिपिंग कॉमन सेंस जो आपको डेवलप करनी चाहिए. शिप पे रहते हैं, राइट? आप लोग के दिमाग में है, मैं उसी चीज को कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, आप लोग के दिमाग में है कि मुझे आग नहीं होने देना है, कहीं भी आग लगने नहीं देना है. दैट इज एग्जैक्टली वॉट यू हैव इज शिपिंग कॉमन सेंस. Functional requirement is something you should be aware of thoroughly as per knowledge. Readily available of firefighting appliance. आपका एक generic सवाल हो सकता है, वो सब जगह portable fire extinguisher क्यों लगा रखे हैं, दरवाजे पे क्यों रखा है उसको, right? Midship store में आपने fire extinguisher क्यों रखा है? Accommodation से लेके जाओ, ये सारे midship store में रख दो, वहां से एक एक करके लेके आओ, yes or no? हर एक जगह पे अपनी अपनी लोकेशन में क्यों लगाया गया है? फॉर अ सिंपल रीजन, रेडीली अवेलेबल ऑफ फायर फाइटिंग अप्लायंसेस इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट अंडर सोलास. ठीक है, आपका फायर फाइटिंग सूट, आपका क्या बोलते हैं, अलार्म्स इन स्टेट ऑफ रेडीनेस, एवरीथिंग. व्हाई एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस इज बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट अंडर सोलास. नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ फायर इन एनी जोन. व्हाई डू यू हैव अ डिटेक्शन पैनल
व्हाई डू यू हैव अ फायर डिटेक्टर उसके साथ अलार्म पैनल है आपका और कोई जरिया है फायर डिटेक्ट करने का अदर देन फायर डिटेक्टर अदर देन फायर डिटेक्टर इज देयर एनी अदर वे टू डिटेक्ट अ फायर क्वेश्चन ध्यान से सुनो हाँ स्मोक सर नहीं स्मोक तुम सो रहे हो तुम्हें कहाँ मालूम पड़ेगा कि गैली में स्मोक आ रहा है That is a visual. Visual means to verify. मान सकते हैं, but वो visual mean हो गया. But detection, detection की बात कर रहे हैं. Sir, किसी और ने visually observe किया और alarm raise कर दिया. Very good. Excellent. Manual call point. Manual call point आपके सारे decks पे होता है. Don't worry. I'll be coming to that later. Manual call point आपके decks पे होता है. So you can raise that. Any other way? And it is most effective. Other than any machinery. और इक्विपमेंट फायर पेट्रोल्स रात को नाइट वॉच फायर पेट्रोल्स का टैली बहुत होना जरूरी है लॉट ऑफ शिप्स लॉट ऑफ पीपल कंसिडर इट एज अ लायबिलिटी अरे यार वो राउंड लेना बाकी है करके वो जस्ट एक घूम के चक्कर कहीं पे आधा चक्कर मार के आते हैं And that can be disastrous. Okay. Verification of these is a responsibility of chief officer. नहीं होगा तो तुम्हारा गला पकड़ेगा. Why was this not verified? Okay. Mate, you have to verify and develop different means. आप लोग की शिप पे वो लाल, red card, blue card वो system होगा. Red card, green card जो भी है. वो सारे स्पेसेस में रेड कार्ड होता है एक वॉच वाला उसको कलेक्ट करके आता है दूसरा वाला रिप्लेस करके आता है यू कैन हैव डिफरेंट मींस कई जगह वो साइन वाला होता है वहां जाके साइन करके आओ कि आपने राउंड लिया था दैट आल्सो लॉट ऑफ पीपल बाईपास इट उसको दिन में साइन मारते हैं जाके यू कैन बेस्ट इज द ड्यूटी ऑफिसर कैन टैली अ रेड कार्ड एंड अ ब्लू कार्ड किया है किसी ने एनीबॉडी हैज डन इट That is the effective way of tallying. The duty officer only has to collect the red card from the AB and or collect the green card. That's all. उसको सारे एक जगह पे लगाने होंगे दूसरे लेके आने होंगे. All right. Next, protection of means of escape and access for firefighting. Protection of means of escape क्या है आपका? Anybody? Just give me one example. Protection. EVD. No, that is your. वो तो तुम्हारा breathing device है तुम्हारा वो. That is not a means of escape को protect नहीं करता है वो. Protection of बोल रहा हूँ ना means of escape. Fire doors. Fire doors. Effective testing of fire doors is a functional requirement under SOLAS. जांच के fire door क्यों पूछेगा? आपको बोलना है it is a functional requirement under SOLAS. ठीक है? Protecting the means of escape आपके fire alarm trigger पे fire door automatically release होता है और बंद होता है and it should effectively shut कई बार उसका either वो closer खराब होता है नहीं तो latch खराब होता है so you must check it अगर खराब है तो your vessel can go into detention ठीक है and access for firefighting naturally you have different doors for accessing Division of ship into vertical and horizontal zones by thermal and structural boundaries. ये किसने बोला था अभी? A class bulkhead, B class bulkhead, correct? सुना होगा सबने? किसी का दरवाजा B class का होता है, A class का होता है, and so on. Mates, you have heard it in your theory, NAVAC 2, है ना? A class, B class bulkhead, C class bulkheads. These are all as per your functional requirements again, as per SOLAS. Separation of accommodation from rest of the ship. आप लोग की ship design के हिसाब से अगर आप देखोगे accommodation एक तरफ होता है, cargo space एक तरफ होता है, always. किसी ने ऐसे नहीं सोचा ना कि वो
सारा अकोमोडेशन डेक पे फैला हुआ है पूरा, मतलब गांव बस्ती की तरह. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अकोमोडेशन फ्रॉम द कार्गो स्पेस टू वन साइड फ्रॉम द कार्गो स्पेस. इट इज सिंपली टू प्रोटेक्ट द अकोमोडेशन स्पेस. हालांकि अगर आप उसको देखोगे अकोमोडेशन अलग से बनता है, लगता भी अलग से है ऑन द शिप एंड इट इज सेपरेटली प्लेस्ड ऑन वन साइड. अगेन द क्वेश्चन कैन बी व्हाई इट इज डन सो. It is a functional requirement under SOLAS Chapter 2, Part 2. Lastly, restricted use of combustible materials. कहाँ पे रखे होते हैं आपके ship में? Location बता सकते हो कोई? For restricted use of combustible materials, आपके ship में कहाँ रखे होते हैं? Then you have your acetylene bottle locked and kept separately outside the ship. Dusra, if you have, some ships have sample locker, tankers have a sample locker, you have samples stored separately. So paint locker for that matter, again, it is kept separately for under a restricted use. Why it is done so? Again, a functional requirement under SOLAS Chapter 2, Part 2. Next is containment and extinction of any fire in space of origin. Guys, this is a very important functional requirement. आपको ये याद होना चाहिए. आपको जनरल एक क्वेश्चनर में पूछ सकता है सर्वर फ्लो ऑफ टॉक में कि अगर आप how will you conduct a fire drill as a mate or so on as a second mate, how will you assist in a fire drill or a third mate, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस में मेट का क्वेश्चन हो सकता है. आपका कंसर्न क्या है फायर ड्रिल में? सो इट इज टू एक्चुअलाइज और रियलाइज अ रियल टाइम सिनेरियो, रियल सिचुएशन, सो एज टू क्रिएट अ इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रिल टू कंक्लूड अ फायर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. करेक्ट. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? Idea is to not allow the fire to progress. Yes or no? Correct? Because एक जलेगा उसके बाद दूसरे का temperature बढ़ेगा. Yes or no? उसके बाद एक बार वो दूसरा आइटम का ignition temperature cross होगा, आगे वाला आइटम जलेगा, फिर वो जलेगा, उसके बाजू वाला गर्म होगा. Yes or no? वो गर्म होगा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस होगा एंड सो ऑन द फायर विल प्रोग्रेस. करेक्ट. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन फायर ड्रिल आपको सिर्फ जो प्रैक्टिस करना होता है दैट इज अ टाइम पीरियड एंड व्हाई कंटेनमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ फायर ऑफ एनी फायर इन स्पेस ऑफ ओरिजिन इटसेल्फ सो एज टू नॉट अलाउ द फायर टू प्रोग्रेस. अंडरस्टूड? एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस? इट इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट अंडर SOLAS. ठीक है. बिलीव मी, अगर किसी ने सेंस नहीं किया, क्या बोलते हैं, सेंस नहीं बोलूंगा, किसी ने अगर रियल टाइम सिनेरियो नहीं देखा है, देखा है किसी ने फायर, फायर एंड प्रोग्रेसिंग फायर? एनीबॉडी हैज गॉट अ चांस बाय हार्ड लक? हार्ड लक ही बोलूंगा. इट इज अनफॉर्चुनेट टू हैव फायर ऑन अ शिप. Just one day smoke DB10 this duck kill smoke only pull and coming out on deck. Okay. There was a hydraulic oil racks is there, they repair the fire pump. And came over there top of the cut the air vent for this replace the air vent and this all drop is coming on the cloth. It catch the fire. And the smoke is too much only a smoke, no fire. Basically, wo heat ignite hua.
यस सर एंड एक्चुअली वो हुआ कैसे उसके कारण सब जो भी क्रू था वो सब रियल टाइम में क्या किसको क्या करना है किसी को कुछ मालूम नहीं था अभी कोई जाने के अंदर जाने को तैयार नहीं कि क्या हुआ दैट इज द होल पॉइंट आई वाज कमिंग टू ये सब जो बातें कर रहे हैं आप फायर ड्रिल प्रैक्टिस करते हो शिप पे इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस व्हेन यू रेज अलार्म इन अ रियल सिनेरियो फर्स्ट ऑफ ऑल nobody is going to respond the way it is supposed to be responded ek to jab alarm bajta hai aur announcement hota hai there is fire and this is not a drill agar ye announcement hoti hai aadhe log jahaz pe dhoondne bhag jate hain ki aag kahan lagi hai theek hai if it is pinpointed half people rush to the location engineers automatically rush to the engine room nobody rushes to the master station theek hai so considering this fact you need to be very firm on the drill theek hai and once the head count is see you have to make your people realize bhaiya jab tak head count nahi lenge hum aag nahi bujhayenge simple I have had two instances where people have not responded to the location itself theek hai char bande khade hain wahan pe chief cook aur gs jinko naturally kuch idea nahi hai kahan pe jana hai training os ho gaya those people these people respond very fast बट टू द मास्टर स्टेशन बाकी सब अपने अपने डेजिग्नेटेड लोकेशन पे भाग जाते हैं ठीक है सो फर्स्ट यू नीड टू मेक पीपल रियलाइज कि दिस इज समथिंग आपको मास्टर करने के बाद जाना है दूसरा रिएक्ट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ठीक है please do not ignore any instances in real scenario or wherever you discuss any situation in orals also the primary objective is to react in shortest possible time server aapko pooch sakta hai can you give me an example kai bar kya hota hai jinke wo watched suppose you are sailing in cold countries cold climates around those areas lot of people have the habit ki khane se pehle nahalo even garmi ki jagah pe खाने से पहले नहा लो सो लॉट ऑफ पीपल 12 o'clock इफ दे गो फॉर शावर या शाम को 6 बजे काम करने के बाद राइट 5:30 बजे नहाने जाते हैं सब लोग तब जिनके स्टीम यूज होते हैं वो गर्म पानी से स्टीम से हर एक कैबिन में अंदर डिटेक्टर होता है तो जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खुलता है पहले वो डिटेक्टर में स्टीम जाती है एंड फायर अलार्म ट्रिगर होता है राइट lot of ships have the same common problem to jab wo fire trigger hota hai ye hamare dimag mein complacency baith jati hai ki 5:30 baje ya 12 baje koi to naha raha hoga isliye fire alarm baja hai and aap log detector ko silence kar dete ho silence alarm karke do bar baje usko chhod doge believe me steam wala jo hai wo ek bar silence hota hai fire wala jo smoke hota hai That will not silence after the first bell or the first silence. The first mute dabate ho. Uske baad it is going to sound again. So better is if you respond and check. Kahi baar kya hota hai? Wo 12 baje wala takeover hota hai. Aap second mate bridge pe jaate ho and third mate is also there only. At that time, if you have any such alarm situations, one of you must go down to the cabin and check. It sounds quite tedious task. Yeah, लगता है कि अरे कौन बार बार जाएगा रोज ही तो बचता है बिलीव मी 1 out of 10 चांस हो सकता है कि वो फायर अलार्म में किसी ने सिगरेट डाल के फेंका होगा वो मेरे साथ हुआ है किसी ने एक कैडेट था उसने सिगरेट डस्टबिन में डाला उसमें नेचुरल टिश्यूज थे पेपर इतना जल्दी नहीं पकड़ेगा जितना टिश्यू जल्दी फायर पकड़ेगा राइट Tissues were there, and he had put the cigarette without extinguishing the cigarette. He put it in the dustbin. Wo tissues ne fire pakda. The dustbin had caught sizable amount of fire. Dustbin. There were a lot of tissues in there. So naturally, usme fire lagi. Aapke cabin mein sofa hai. May not be a red jean sofa. It may be a cloth sofa. बेड है कंबल है इट विल नॉट टेक टाइम टू कैच फायर सो
अगर आप उसको 5 मिनट में चेक करके बुझा दो, डस्टबिन को लेके बाथरूम में डालो, जेट या शावर से उसको बुझा दो, बात वही खत्म हो जाती है। वही आप अगर उसी सिचुएशन को आप अगर अलार्म बजाओ, अनाउंसमेंट करो, मस्टर करो, ब्रीफिंग करो, फिर ऊपर जाओ, राइट, प्रोबेबली द डस्टबिन अगर वो देखो सुट्टा जो मारता है वो क्या करता है, वो एस्ट्रे कहीं बगल में रखता है ना, जहां वो कंफर्टेबली बैठ सके, कॉमन सेंस की बात है ना। तो डस्टबिन कहाँ रखा होगा, सोफे के पास या बेड के पास रखा होगा जहां वो सुट्टा मार रहा होगा, टेबल के नीचे तो नहीं रखा होगा। सो जिसने बुझाने का कष्ट नहीं किया उसका सुट्टा कहाँ ही होगा, बेड के पास होगा, सोफे के पास होगा। सो नेचुरली दैट फायर इज गोइंग टू इवेंचुअली गेट ऑन द सोफा और द फायर। जब तक आप ये पूरी प्रोसेस करोगे एक आधा सोफा या बेड जल जाएगा उसमें, एंड दैट फायर विल बी क्वाइट लार्ज। सो टेक्निकली रिस्पॉन्स टाइम इज द की, ठीक है। सो आप ये एग्जाम्पल में भी दे सकते हो, अगर आपको सर्वेयर एग्जाम में पूछना है एग्जाम्पल के तौर पे ये बता सकते हो, इट इज अ वेरी जेन्युइन केस ऑल्सो, मैं तो फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, राइट। सो वेयर देयर वाज अ कैबिन फायर, लकीली द डोर वाज ओपन, यू कैन से राइट, डोर वाज ओपन, वी चेक, ओनली द डस्टबिन हैड कॉट फायर। तो डस्टबिन लेके यू कुड एक्चुअली एक्सटिंग्विश द फायर, यू कैन कोट दिस इन द एग्जाम्पल, इट्स ऑल राइट, इट नीड नॉट बी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, आप उसको कोट कर सकते हो। So all you have to say as a mate, second mate, don't say this. Second mate, matlab Shubham, you will not say this because technically they want you to follow the procedure, raise the alarm, inform master, and go down, right? But mate on the contrary can inform master and go to the location for an immediate inspection. Since I was coming down from the bridge, hai na, on the way cabin padta hai, to main khol ke dekhta hu, since I have a master key as a mate, correct? You can always check it. It's just a mere dustbin. उसको मैंने बाथरूम में डाला, शावर डाल के बुझा दिया, काम खत्म। You can inform master, inform bridge that fire has been extinguished, fire has been contained. Surveyor आपको पूछ सकता है, why did you do this? You can always explain, sir. In all these scenarios, response time is the key. Had I not taken that just an additional step to cross check or just check visually once to identify, it would have escalated or progressed. Okay? All right. Surveyor ke question pe dhyan rakhna. If he has said this ki khali alarm baja hai, you can port this. But agar wo bolta hai pure deck se smoke bahar aa raha hai, to don't try to enter that deck. Imagine karo kala smoke hoga to hum andar nahi ja paoge. To dekh hi nahi paoge ki kiska cabin hai, kya hai. So technically you have to go down, wear your suit and then come back up, ठीक है? तो उन चक्करों में don't get into the hassle. And secondly, surveyor normally पूछता है the duty that you have assigned, the person has refused, what will you do? Emergency response में duty someone has refused now, so you cannot force anybody. You will assign the task to somebody else, ठीक है? That is the only thing you will do. And never opt for going yourself because you are the officer in charge, you are controlling the entire scenario. Okay? That is only worst case scenario, koi bhi nahi ja raha hai, then you might have to go yourself. Okay? Informing the master where master becomes in control of the emergency response and you go inside. Correct? So, and that is also with discretion of master. You cannot decide yourself to go because master is the commander of operation. So, please keep this fact in mind, ठीक है? पहले as a mate you cannot opt for going inside, clear? Okay. That was all for containment and extinction of any fire in space of origin. Response time is the key. Fastest extinguisher will save the ship. जितना delay करोगे उतना, that is exactly why drill response, alarm response. अलार्म रिस्पॉन्स का क्या क्वेश्चन आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज योर फायर अलार्म ऑन द शिप, यू विल नेचुरली से कंटिन्यूस रिंगिंग ऑफ द बेल, एंड व्हाट इज द अलार्म फॉर अबैंडन शिप, व्हाट इज द अलार्म फॉर एनी अदर अलार्म, इट इज जनरल इमरजेंसी, करेक्ट?
So question comes, why the fire alarm and the general emergency alarm is different? Because fire alarm is a distinctive and a different bell. You're not supposed to confuse it with any other emergency. Clear? Again, why? Response time is the key, so that I can extinguish the fire in the space of origin. Correct? Clear hai aap logo? It is interlinked. The entire scenario is interlinked. Okay. Last, minimization of possibility of ignition of flammable cargo vapor. Flammable cargo vapor se ek hi cheez dimag mein aati hai, that is hydrocarbons on a tanker. So how will you minimize the possibility of ignition with the use of IG? So again, why do you have inert gas on a tanker? Usme ye answer aata hai. To minimize the possibility of ignition of flammable cargo vapors as a functional requirement under SOLAS chapter 2, part 2. Clear? Next. Abhi ye theoretical terms ke liye regulation 3 identify karna hai, but aap log ko iske baare mein kya pata karna hai? Regulation 3 talks about A class, B class and C class divisions under definitions. ठीक है? अभी oral point of view में इसको कैसे बताना? First of all, आपको पूछ सकता है, what are A class, B class, C class divisions? क्या है ये? They are your part of thermal and structural boundaries. Why do you require thermal and structural boundaries? Because of एक ही आंसर है मैंने बोला था फंक्शनल रिक्वायरमेंट अंडर सोलास मैंने आपको पूछा ना कोई भी इक्विपमेंट पूछेगा फायर से रिलेटेड क्यों है इट इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट सी इसमें देखो पॉइंट नंबर 4 डिवीजन ऑफ शिप इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जोन्स बाय थर्मल एंड स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज ए क्लास बी क्लास सी क्लास डिविजन्स ठीक है सो क्यों चाहिए ये This is to construct the vessel in order to create some kind of temperature barrier. अगर नहीं होगा तो एक जगह पे आग लगेगी दूसरी जगह तक seamlessly पहुंच जाएगी. Clear? So A class division is constructed of steel or other equivalent material. इसमें खाली आपका जो insulation का temperature barrier होता है, only that is different compared to other bulkheads. A क्लास में क्या आता है अनएक्सपोज साइड विल नॉट राइज मोर देन 140 डिग्रीज अबव द ओरिजिनल टेम्परेचर ठीक है अनएक्सपोज साइड विल नॉट राइज मोर देन 140 डिग्रीज अबव द ओरिजिनल टेम्परेचर अनएक्सपोज साइड कौन सा होता है फॉर अ बल्कहेड फायर का ऑपोजिट साइड That will not rise more than 140 degrees above the original temperature. Original temperature कितना होता है? Normal room temperature. Room temperature आपका जो है 22 degree, 24 degree, 25 degree जो भी आपने रखा है air condition, right? Ambient temperature of the room plus 140 degrees. Clear? So that will be for the unexposed side. And temperature at any point including joints not rise more than 180 degrees above the original temperature. So ye jo hai, iske liye time frame hota hai. Temperature escalation ke liye time frame hota hai that defines the quality of the bulkhead. So sabse stringent quality jo hota hai that is A60. Yani 60 minutes के time frame वो temperature change नहीं होगा. Is that clear? A60. Similarly, A30, A15 and A0. आप लोगों को अभी ये बात समझ में आ रही है कि कहीं पे अगर A60 होगा तो आपके पास हाथ में एक घंटा है. Yes or no? उसका temperature जहाँ मतलब opposite side का temperature नहीं change होगा. Yes or no? But जहाँ पे A0 है
वहां पे तो टाइम नहीं है ना आपके पास. इज दैट क्लियर? सो मेट, हाउ विल यू डिसाइड योर रिस्पॉन्स टाइम? यू विल लुक एट दी, यू विल लुक एट दी क्लास ऑफ बल्किड. कभी सुना है मास्टर को पूछते हुए वहां पे कौन सा क्लास है, बल्किड कौन सा है? इफ यू हैव पेड अटेंशन, मास्टर विल आस्क वहां पे कौन सा क्लास है, या ब्रीफिंग डीब्रीफिंग में डिस्कस होता है वहां पे कौन सा बल्किड है. यू नीड टू कैरी आउट दिस डिस्कशन ड्यूरिंग योर ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग ड्यूरिंग द ड्रिल. व्हेन यू अप्रोच फायर सेफ्टी प्लान, देखो एंड आइडेंटिफाई कौन सा बल्किड है वहां पे. इज दैट क्लियर? Because A60 है तो आपके हाथ में टाइम है रिस्पॉन्ड करने के लिए. यहाँ से नहीं ट्राई करो, वहां से ट्राई. A0 है तो as soon as possible. Yes or no? Otherwise क्या होगा? Fire will progress into another zone. Correct? Clear? It prevents the passage of smoke and flame at the end of 1 hour standard fire test. What is a standard fire test? Chalo, all of you please write down. Ye pooch sakta hai, what is a standard fire test? So last chapter 2, part 2, regulation 3. Regulation 3 mein likho. A standard fire test is a test. A standard fire test is a test in which specimen of the bulkhead or deck, in which बंद हो गया क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद. मैसेज कह रहा पावर नहीं है वहां पे.
हाँ जी क्लास चलो आ जाओ कार्तिक शुभम अविनाश यार ओके लिख लिया सबने मैंने भेजा था आप लोगों को स्टैंडर्ड फायर टेस्ट मेट्स यू नीड टू फाइंड आउट योर डेफिनेशंस फॉर व्हाट इज अ सर्विस स्पेस एंड अ स्पेशल कैटेगरी स्पेस व्हाट इज अ सर्विस स्पेस एंड व्हाट इज अ स्पेशल कैटेगरी स्पेस ये आता है क्वेश्चन पार्ट ऑफ योर निवाक टू डेफिनेशन में पूछ सकता है ओके कमिंग बैक टू दिस नाउ सो फॉर अ स्टैंडर्ड फायर टेस्ट मतलब एक फायर टेस्ट प्रोसीजर के हिसाब से एक पर्टिकुलर पूरा एक टेस्ट डिफाइंड है वेयर अ स्पेसिमेन बल्कहेड विल बी टेस्टेड इन अ स्पेस रेगुलेटेड स्पेस जहां पे 1 आवर के बाद एक्सपोजर टू फायर इट विल नॉट रिजल्ट टू पैसेज ऑफ स्मोक एंड फ्लेम बट इन रियल टाइम सिनेरियो दे हैव टू सेटिस्फाई A60, A30, A15 एंड A0 ठीक है नेक्स्ट Similarly, your class B bulkhead constructed of approved non-combustible material. Guys, फरक देख लो दोनों में क्या है? Class A was constructed of steel or other equivalent material. ठीक है? Whereas class B is constructed of approved non-combustible materials or any combustible veneers. Veneers क्या होता है? What are veneers? Combustible veneers. Veneer मतलब लकड़ा होता है ठीक है any combustible veneers may be permitted if they comply with the requirements. So, एक तो आपका approved non-combustible material होता है class B, class A steel. ये main फर्क है ठीक है दूसरा इसके time frame में just पूरा मत पढ़ो जस्ट लास्ट लाइन देखो मेरे स्लाइड में जॉइंट्स का जो फायर वाला रिक्वायरमेंट है टाइम फ्रेम का टेम्परेचर का सॉरी जॉइंट्स टेम्परेचर शैल नॉट राइज मोर देन 225 डिग्रीज अबव द ओरिजिनल टेम्परेचर इसमें कितना था नॉट राइज मोर देन 180 डिग्री इसमें 225 मोर अबव द ओरिजिनल टेम्परेचर And the time frame is B15 and B0, 15 minute or so. आप लोग के cabin में कौन सा class होता है? Cabins में, cabin doors and cabins are class B. ठीक है? Very few ships will have class A, A0 max. उसके ऊपर नहीं होगा. But normally you have B15. ठीक है? So I hope you understand the fact. Cabin fire होगा तो class B bulkhead है. Progressing the fire can be eventually after 15 minutes. Yes or no? तो mustering, briefing जब तक जाओगे 15 मिनट में एक bulkhead का temperature पार हो चुका है progressing के लिए. Yes or no? So आप लोग को ये बहुत क्लैरिटी से मालूम होना चाहिए जब आप नीचे एक्चुअल फायर की ब्रीफिंग कर रहे हो उस टाइम में आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है ऊपर एंड इट कैन प्रोग्रेस इनटू नेक्स्ट लेवल राइट सो प्लीज बी वेरी कॉशियस ऑफ दीज थिंग्स इन रियल टाइम सिनेरियो टाइम वेस्ट जितना होगा मतलब अगर मान लो मैं एग्जाम्पल जिसका दे रहा था कि आपके ए बी या किसी फिटर ने जो आपका डेजिग्नेटेड इमरजेंसी टीम में था उसने अगर रिफ्यूज कर दिया जाने से तुम वहां पे बैठ के उसको समझा नहीं सकते कि क्यों जाना जरूरी है समझ में आ रहा है दैट इज टाइम वेस्ट अरे तुमको जाना पड़ेगा है ना तुम्हारा ड्यूटी है ऐसा नहीं कर सकते वैसा तुमको ऐसा करोगे तो वैसा होगा ये सब वहां पे टाइम नहीं होता है बात करने का ठीक है This you should have done during the drill. Actual scenario जिसको नहीं जाना है, you just change the person. That's it. उसके बाद extinguishing के बाद उसको ज्ञान दे सकते हो, जितना ज्ञान देना है. Clear है?
That is what my point is. Please focus on the time temperature curve in your head when you are dealing with fire. Yes or no? Baki sare factors are nonsense. जो भी आप बोल रहे हो सर वो फिट नहीं आ रहा है, जूता किधर है, बैटरी किधर है, वो सब नॉनसेंस है. द फैक्ट रिमेन्स टाइम एंड टेम्परेचर कर्व देख के भागो. बल्केट क्या है आइडेंटिफाई करो एंड कहां से कहां टारगेट करना है. इफ यू ट्राई टू एंटर थ्रू अ ए क्लास बल्केट यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल और बेटर चांस ऑफ हेडिंग इन टू द फायर. राइट, बी क्लास जोन से एंट्री मारने की कोशिश करोगे यू मे बी प्रोन टू फायर बिकॉज वहां फायर जल्दी आएगी तुम्हारी तरफ. Yes or no? So these things you have to be cautious and keep it in your mind when you're dealing with fire. Okay? Alright. Similarly, you have time temperature curve for standard fire test in B class division. It is only 0.5, that is half hour of standard fire test. It prevents the passage of only flame, not smoke. Haan, bolo. Ayya. ज्यादा रिजिड रहेगा, थोड़ा देर बाद उसका फायर या टेम्परेचर बढ़ने का चांस होगा. नॉर्मली क्या होता है तुम्हारा वो जो ए क्लास साइड जो रहेगा वो लेट फायर पकड़ेगा कम्पेयर टू अ बी क्लास जल्दी फायर पकड़ेगा. तो उसके दूसरे बाजू अगर बी क्लास रहेगा फॉर एग्जांपल तो उस साइड फायर प्रोग्रेस होके निकल जाएगा वहां से बाहर. बट टाइम फ्रेम इज ओनली फॉर टेम्परेचर लिमिटेशन एज पर दैट गिवन क्राइटेरिया. 180 डिग्रीज ए क्लास के लिए, 225 डिग्रीज बी क्लास के लिए. वो सिर्फ टाइम लिमिट उसके लिए है. उसके बाद प्रोग्रेस होने का काम वो मटेरियल के हिसाब से होगा. नाउ द कैलकुलेशन कम्स ये जो पर्टिकुलर सी क्लास कुछ नहीं है गाइस, दैट्स व्हाई नॉट गोइंग इनटू सी क्लास. सी क्लास इज बेसिकली नॉट ए नॉट बी. इट कैन बी कंसिडर्ड ऑफ एनी नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, डज नॉट हैव एनी टेम्परेचर रिस्ट्रिक्शन और रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो क्लास, नथिंग. Now the question comes कि आपके शिफ्ट में कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा बल्केट कहाँ होता है. तुमको कैसे पता कि कौन सा बल्केट कहाँ होना चाहिए या होता है. First of all, Solas again talks about these bulkheads in the regulation for containment, regulation 9, containment fire. Please have a look at this. There is a table called 9.1. ऐसे 10-12 table है. Guys, please have a look. These are bulkheads not bounding either main vertical or horizontal zones. यही मैंने बात की थी under functional requirements, separation of vertical and horizontal zones by thermal and structural boundaries. That was your functional requirement. So अगर आप यहाँ पे देखोगे, these are spaces and these are codes for those spaces. उसका number यहाँ पे दिया हुआ है. Stairways अगर 2 है तो ये ऊपर वाला 2 is stairways, correct? So, for example, I have a control station. What is the control station? Fire control station. अगर मेरे fire control station के बगल में अगर कोई accommodation space of minor fire risk है, that is number 6. मेरे fire control station के बगल में अगर एक अकोमोडेशन स्पेस है विद अ माइनर फायर रिस्क नंबर 6, देखो क्या है, A60 मैक्सिमम प्रोटेक्शन. यस और नो? मेरा फायर कंट्रोल स्टेशन शैल हैव मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द स्पेस. अगर आप वहां पे कंट्रोल स्टेशन की देखोगे, मैक्सिमम A60 है. कंट्रोल स्टेशन ही अगर प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो क्या खाक बचाओगे आपको? यस और नो? Control station should have maximum fire protection. Secondly, please look at number 4. Kya hai? Evacuation station and external escape route. Ye aapka fire safety objective bhi hai and functional requirement bhi hai. Yes or no? Protection of means of escape. So if it is exposed to anything,
it will always have A60, A60, A0, A60 and so on. Clear? Protection of means of escape. So basically Solas has made this table array or a table format matrix. जिससे आप डिसाइड कर सको कि कौन से बल्कहेड या कौन से स्पेस के अगेंस्ट उस बल्कहेड का ए क्लास होगा, बी क्लास होगा या सी क्लास होगा. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? ये नॉट बाउंडिंग, नॉट बाउंडिंग क्यों लिखा हुआ है टेबल पे? ये मतलब साइड वाले हो गए. इसमें बेसिकली तुम्हारा नॉट बाउंडिंग आइदर मेन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जोन ऐसे अलग अलग तुम्हारे, फिर बाउंडिंग का एक टेबल अलग है, बाउंडिंग विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जोन्स, ऐसे फिर डेक्स, सीलिंग्स, ऐसे अलग 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 टेबल्स हैं. वही मैंने बोला 10-11 टेबल्स हैं ऐसे अलग अलग. ये खाली तुम्हारा टेबल 9.1 है फॉर ओनली नॉट बाउंडिंग द, सो दिस कैन बी एनी अदर ऑक्सिलरी बल्कहेड विच इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन डिविजन ऑफ द शिप, है ना. So, उस मामले में वो बल्कहेड है जो अंदर की तरफ हो सकता है, उसके बगल की तरफ हो सकता है आपस में. सो ये वो है. दूसरा तुम्हारा सीलिंग है, डेक है, बहुत सारे आते हैं, राइट? सो दैट कैन बी पार्ट ऑफ बाउंडिंग द मेन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सीलिंग और डेक, ठीक है. सो सी टाइप क्लास डिवीजन है, सी टाइप डिवीजन है जो, उसका सर कोई एग्जांपल है मतलब कौन से स्पेसेस में रहता है? ये रहा देखो, इफ यू हैव अ अकोमोडेशन स्पेस ऑफ माइनर फायर रिस्क दैट इज नंबर 6 कंपेयर्ड टू सैनिटरी स्पेस. एक कैबिन के अंदर सैनिटरी स्पेस हो सकता है ना, तुम्हारे कैबिन के अंदर वाला हिस्सा, राइट? सो ये देखो नंबर 9 के लिए, उसी कैबिन के अंदर का जो बल्कहेड है, जो जो टॉयलेट बनाता है अंदर की तरफ, टॉयलेट का बल्कहेड तुम्हारा, दैट कैन बी सी क्लास डिवीजन और अ बी जीरो आल्सो, इट डज नॉट मैटर, इट इज इनसाइड द कैबिन, इट इज नॉट बाउंडिंग एनी मेन स्पेस, करेक्ट? क्लियर है सबके लिए? डिवीजन ऑफ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिकली बल्कहेड डिवीजंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग योर फायर रिस्पॉन्स आल्सो एंड deciding factor during your fire drills or fire situations. कैसे मालूम पड़ता है या कहाँ से decide होता है? Solas under regulation 9 has made or given these tabular formats. आप एक table example के तौर पे surveyor को बता सकते हो, अगर वो पूछता है तो. Solas में sir, I have seen there is a table 9.1. That is exactly why I am showing you the actual table. है ना? 9.1 table देखा है? उसमें स्पेसेस के नाम दिए हैं, ऊपर उसके कोड्स दिए हैं एंड देयर आर वेरियस बल्कहेड्स. सो कोई भी स्पेस के अगेंस्ट दूसरा स्पेस अगर हम देखेंगे हमें बताता है. फॉर एग्जांपल कंट्रोल स्टेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके अगल बगल में जो भी होगा आई विल रिक्वायर अ A60 बल्कहेड, यस और नो? एस्केप रूट रहेगा, उसके बाजू में अगर कोई भी फायर रिस्क सिचुएशन है, फायर रिस्क स्पेस है, आई विल रिक्वायर अ A60 bulkhead because protection of means of escape is a functional requirement by Solas. Yes or no? इस तरीके से आपको ये समझाना पड़ेगा. Clear? Why do you require these zones? क्या बोलोगे? ये क्यों चाहिए तुम्हें bulkheads A class, B class, C class? That is also a functional requirement under Solas. Yes or no? Correct, no? That is what we did, no? Finally. Functional requirement. Division of ship into vertical and horizontal zones by thermal and structural boundaries. Kyun chahiye? Because functional requirement. Clear? This is all you need to understand from this point. A class, B class, C class divisions. ठीक है. स्टैंडर्ड फायर टेस्ट क्या होता है? मेट्स को मैंने बोला एडिशनली प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज सर्विस स्पेस एंड स्पेशल कैटेगरी स्पेस. एंड माइंड यू जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गाइस, मेट्स स्पेशली
इन फ्यूचर अभी इसके आगे व्हेनेवर यू रेफर टू इंजन रूम स्पेशली इंजन रूम ठीक है, मतलब अगर कोई पूछता है तुम्हारे एक्सटिंग्विशर बताओ और कहाँ होते हैं तो तुम डेक के बता दोगे, उसके बाद बोलोगे सर इंजन रूम में इतने होते हैं राइट। काइंडली रिक्वेस्ट यू अगर आप सोलास के ओरिएंटेशन में पढ़ोगे द स्पेस इज रेफर टू एज मशीनरी स्पेस, प्लीज डोंट से इंजन रूम। इसके आगे जब भी आप इंजन रूम या कुछ रेफरेंस देना चाहते हो प्लीज से मशीनरी स्पेसेस। And any space or machinery space having any kind of internal combustion machinery, any oil fired boiler, any kind of combustion machinery, it is known as machinery spaces of category A. Maids ke liye hai ye. You cannot forget or miss this. Okay? Shubham, tumhare liye khali machinery space, that word is important. Don't use engine room. Jahan pe bhi Sulas mein padhoge, they use only machinery spaces for reference. So, accordingly apply. Engine room मत use करना. ठीक है? Whenever ECR बोलना है तो control station बोलो और control room of the machinery space. उसी language में बात करना. ठीक है? Clear for all? इसके आगे हम लोग next class में continue करते हैं. ठीक है? We'll go into identifying your regulation 4, regulation 7. Regulation 4 talks about probability of ignition. That is basically all your tanker requirements. वो मैं इसमें नहीं करूँगा, वो हम function 2 में कर चुके हैं, जिनके साथ हो चुका है. And जिनका नहीं हुआ है, you just need to be aware of it right now. दूसरा, regulation 7 is detection of fire or alarm. Regulation 9 is containment of fire. And 10 is finally firefighting. तो वो ये इसी sequence में हमको जाना है, so that 4, 7, 9 वो खाली हमें आइडेंटिफाई करना क्या है, ओनली द टाइटल। रेगुलेशन 10 इज व्हाट वी हैव टू स्टडी, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, द ओनली रिलीफ इन दिस पर्टिकुलर सोलास चैप्टर इज अगर आपको कोई भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, इक्विपमेंट मतलब एक्सटिंग्विशर, फिक्स्ड फायर फाइटिंग, कुछ भी हो राइट, एनी इक्विपमेंट, फायर पंप, एवरीथिंग इज इन रेगुलेशन 10, दैट इज ओनली द ईज डाउन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, उसको हम अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, ऑलराइट मेट्स, आई विल सी यू इन द आफ्टरनून अगेन। ठीक है, उसके बाद ओरल शेड्यूल होगा। 3:30 क्लास रहेगा ना? हाँ 3:30। ओके ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर।